बोल रहा हूँ जी, इंसान पागल हो चुका है। अनुष्का जी, क्या आप जिंदा हैं? What is up guys, I hope you are doing absolutely fine. Today is the first day of our college, last semester, first day. कितने महीने बाद जा रहे हैं कॉलेज? लास्ट टाइम हम लोग अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर या सितंबर में गए थे। सो अभी बस आ रही है, हम लोग बस पकड़ते हैं। हम एक्चुअली लेट हैं, हम लोग को कोविड का स्क्रीनिंग भी ख़त्म करना है, तो लेट्स होप कि हम टाइम पे पहुंच जाए। और कनाडा का रूल है, जब भी बस आए तब भागो, ये साले रुकते नहीं है। ये हमारे कॉलेज का रास्ता, अरे कांच पे धब्बा लगा हुआ है, साले हमारा व्यू बिगाड़ दिए। काफी काफी सालों बाद हाय लेखा, भाग भाग। सो ये हमारे कॉलेज का मेन एंट्रेंस है मॉर्निंगसाइड कैंपस का, एंड फिलहाल जो अभी एंट्री कोविड की वजह से वो पीछे से कर दी गई है। सो सुबह हमें पीछे से एंट्री लेनी होती है, एंड जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो मेन एंट्रेंस जो है उसको एग्जिट की तरह यूज़ करना होता है। एक बार आप अंदर चले गए सो यू कैन नॉट कम आउट, आपको बाहर नहीं आ सकते। और ये हर सुबह आपको लाइन में खड़े रह के आपका जो प्री स्क्रीनिंग असेसमेंट है कोविड का वो कम्प्लीट करना होता है। तो फिलहाल कोविड की वजह से यहाँ पे आप जब भी कॉलेज में आते हो एक प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सो ये सेंटिनल ने खुद की सेफ्टी वॉच करके एक ऐप बना के रखी है जिसमें आप अपना कोविड का इन्फो अपडेट कर सकते हो, जिसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी और आपके सिम्टम्स है कि नहीं, वो सब जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो डालते हो। एंड ऐसे तो आज सुबह हमने कर लिया है। सो हमें एक बैज मिलता है जो यहाँ पर स्कैन होता है, आप यहाँ पर टाइम में देख सकते हो कि कोई भी सेम बैज फिर से यूज़ नहीं कर सकता। हर रोज़ का टाइमिंग होता है कि और हर रोज़ ये चेंज होता है। सो आपके जब यहाँ पे जाते हो तो कॉलेज का आईडी जो है आईडी कार्ड वो टैप करो, सो उससे वो लिंक हो जाता है। सो सेंटिनल इज़ टेकिंग प्रिटी गुड प्रिकॉशन कि कोई भी बच्चा यहाँ पे अफेक्ट ना हो, एक्सेप्ट ये कोविड पॉजिटिव है फिर भी आ रही है बेशरम। सो अभी मोस्टली कॉरिडोर्स एम्प्टी रहता है, एंड जितने भी बैठने की जगह सब जगह सील कर दिया गया है, एंड जिनकी लैब्स हैं उनको ही एंट्री मिलती है। सो हार्डली यू कैन सी 1% वॉकिंग इन द कॉरिडोर। सो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड चीज़ कर दी गई है, आप 2-3 से ज़्यादा लोग बैठ भी नहीं सकते एक साथ नज़दीक, एंड रेगुलरली कोई ना कोई आपको मॉनिटर कर रहा होता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो, मास्क पहन रहे हो कॉन्स्टेंटली या नहीं। सो उस हिसाब से सेंटिनल बहुत ही बढ़िया केयर ले रहा है कि केसेस ना बढ़े, क्योंकि एक दो केसेस निकले तो बाकी सारे बच्चे भी, उनकी स्टडीज़ भी अफेक्ट हो सकती है। हाउ आर यू फीलिंग इतने सालों बाद कॉलेज में आके? अनुष्का जी आपका रिव्यू दीजिए प्लीज, आई बेग यू। और ये हमारा फेवरेट विंडो। सो ये हमारा लैब है, एंड जब तक फैकल्टी नहीं आती वी कैन नॉट एंटर द लैब, वो आने के बाद ही हम लोग एंटर कर सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू विद द लॉकर्स। सो यहाँ पे दो टाइप के लॉकर्स होते हैं, एक ऐसे बड़े वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो हाफ साइज होते हैं। बट नॉर्मल डेज में जब कॉलेज रेगुलर था यू हैव टू बाई दिस लॉकर्स, बट अभी ओपन है, जो भी खाली दिखा बस रख दो। लेकिन हम उसमें कुछ ऐसे कांड करते हैं, सामान की जगह खुद फिट होते हैं उसके अंदर। कॉलेज यहाँ पे कंप्यूटर्स प्रोवाइड करती हैं कि आपको कुछ असाइनमेंट देखना है या फिर आपको कुछ प्रिंट निकालना है या कुछ ऐसे ही सर्व करना है तो यू कैन यूज़ इट। सो अभी तो फिलहाल ज़्यादा यूज़ नहीं करने देते बिकॉज ऑफ कोविड। प्राइस लो, एप्पल वॉच टच चलता है नहीं चलता? अरे हाय भगवान। सो अब हम लैब में आ गए हैं एंड प्रैक्टिकल चालू है। सो फिलहाल रूल ऐसा है कि 8 बच्चों से ज़्यादा अलाउ नहीं करते, और एक फैकल्टी होती है। सो इवन इन दिस 8 पीपल इन लैब हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है, अगर ज़रूरत पड़े तभी हम थोड़ा नज़दीक आते हैं, बाकी हम दूर ही रहते हैं।
सो ये जो हमारा कोर्स है वो एक्चुअली हाइब्रिड कोर्स है अभी, कि 50% ये डू इट ऑनलाइन द थियरी पोर्शन, एंड जो बाकी का 50% जो प्रैक्टिकल बेस्ड है वो आप लैब में आके करते हो एक महीने के अंदर। जो थियरी पोर्शन होता है वो पहले या फिर लैब के बाद कवर हो चुका होता है। सो इट्स अ प्रेटी गुड बैलेंस सिस्टम कि आपका कुछ भी प्रैक्टिकल या फिर थियरी पोर्शन मिस नहीं होता। सो इन पर्सन लैब में भी ऐसा सिस्टम है कि हफ्ते में आपको 1, 2 या 3 दिन आना है, लेकिन एक दिन में आपकी दो दो लैब्स होती है। सो लगी पड़ी होती है भाई, बहुत मौत आती है सेकेंड लेक्चर तो में। अभी टाइम है सेकंड लेक्चर लैब का। हम तीनों की हालत एकदम टाइट। कुछ बोलिए लेखा जी, लेखा जी कुछ बोलिए। और कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे क्या आप जिंदा है? अनुष्का जी क्या आप जिंदा है? सो दो लैब्स के बीच में हमको 1 घंटे या 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, और उसमें हम ऐसी पागलों भरी हरकत करते हैं। मैं बोल रहा हूँ जी, इंसान पागल हो चुका है। यही है वो महान शख्सियत। किधर गई? जे रही। तो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन बहुत ही एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए। दो लैब थी, अभी 5 बज रहे हैं एंड मैं सुबह 8:30 से लैब में था। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक मिला वही, सो आई एम वेरी मच टायर्ड। मैं सोने जाऊँगा। आई डोंट नो व्हेन आई विल वेक अप। कल फुल जॉब भी है, सो कल लगने वाली है। एंड कॉलेज स्टार्ट हो गई है, तो अब से 1 महीना जो लैब के धक्के और जॉब के धक्के हैं बराबर के लगने वाली है। 1 महीना फुल रगड़ा फुल। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, सी या, टेक केयर एंड स्टे सेफ। कोविड का केसेस बढ़ रहा है, सो सी या, टेक केयर।